लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह पहुंचे नीलम पार्क के युवा सम्मेलन में। भोपाल वार्ड 34 में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा घाड़के के द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम में मध्य विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह पहुंचे वार्ड 34 के युवा सम्मेलन में। वार्ड 34 के युवा सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि आज यहां उपस्थित 500 युवा साथियों से संवाद करते हुए कहा कि मोदी के मन में है MP, लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? भाजपा की सरकार से पहले 10 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस सरकार ने गरीब मध्य वर्ग को लूटने का ही काम किया है। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला और ना जाने कितने घोटालों से कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए। आज की युवा पीढ़ी को यह पता नहीं होगा कि कांग्रेस ने देश के 100 जिलों पर पिछड़े होने का ठप्पा लगा दिया है और कहा कि यह जिम्मेदार विशेष रूप से 18 से 25 वर्ष के युवाओं की है, जिनका एक एक वोट प्रदेश और मध्य विधानसभा क्षेत्र को 5 वर्षों का भविष्य तय करने वाला है। लेकिन आप इस बूथ पर कमल खिलाएं और घर जाएं। मतदाताओं से मिलकर सभी को 17 नवंबर को मतदान करने की अपील करें। युवा सम्मेलन में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण घाड़के, वार्ड 34 के पार्षद पप्पू बिलासराव घाड़के, वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद मकसूद भाई, भाजपा महा राणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, भाजपा बरखेड़ी मंडल अध्यक्ष हेमंत जोगी, महामंत्री पवन बरूचे सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, हजारों युवा साथी उपस्थित रहे। तो लगभग 500 लोगों की संख्या में वो कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। लेकिन मेरे भाइयों, आपका प्रेम देखकर और स्नेह देखकर और आपका पधारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम का आयोजन मेरे भतीजे कृष्ण घाड़के जी, मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक मोर्चे की बहन सारा जी, पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम का आयोजन मेरे भतीजे कृष्ण घाड़के जी, मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक मोर्चे की बहन सारा जी, युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या मंत्र दिया युवाओं को? देखिए, मैं आज कृष्णा घाटगे जी के फैंस क्लब द्वारा युवा संगम का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा यहाँ आए। हमने इनसे यही कहा कि राजनीति विकास और सेवा के आधार पर होनी चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम और कम्युनल आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देना है और जनता को आगाह करना है कि इनकी चालों में ना, इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ चोरी की है। तो मैं अपने युवा साथियों से मैंने यही कहा कि आप जनता के बीच में जाइए और लोगों को अलग जगाइए कि इसने काम नहीं किया, इसको रिजेक्ट करिए और काम करने वाले को चुनिए। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के काम करती है। नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, शिवराज जी मध्य प्रदेश में मजबूती से काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब उनके साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाए। समय कम बचा हुआ अभी तक आप संपर्क? तो 3 महीने से संपर्क में हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी वर्गों का मिल रहा है। और ये इसकी वजह से एक्सपोज, देखो साहब, भारतीय जनता पार्टी का काम, नरेंद्र मोदी जी का नाम, मैंने 5 साल जो काम किया, ऐसा कोई कोना क्षेत्र नहीं जहाँ मेरा काम ना हुआ हो। तो मैंने सब जगह काम किया, वो और इनका फेलुअर, ये सब मिला के मध्य में एक वेव चल रही है और जब पेटी खुलेगी तो लोगों को इसका अंदाजा होगा कि ये कितनी अनपॉपुलर है और जनता ने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। ऐसा कौन सा काम है सबसे पहले? देखिए, विधानसभा का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली बिगड़ा हुआ है, सड़कें बहुत बुरी स्थिति में है, पार्क का काम नहीं हुआ, चौराहे सब अतिक्रमित हैं, ट्रैफिक जाम होते हैं। तो मेरा सारा ध्यान पहले इधर ही रहेगा और जो गरीब बस्तियां हैं जहां गंदगी फैली हुई है, बीमारियां फैली हैं,
उनको राहत पहुंचाने का पहला काम होगा। आज युवा संवाद हुआ है, युवा संगम आज यहाँ पर हमारे विधानसभा प्रत्याशी श्री ध्रुव नारायण सिंह जी के लिए हमने आयोजित किया था, जिसमें सैकड़ों, जैसा कि आपने देखा कि सैकड़ों युवा मौजूद थे। और हम सभी ने संकल्प लिया है कि आने वाली 17 तारीख को जो है ध्रुव नारायण सिंह जी के पक्ष में, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, महिला, हर सभी लोग यहाँ मौजूद थे। हमने संकल्प लिया है कि इस बार जो है ध्रुव नारायण सिंह जी को हम लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा पर पहुँचाएंगे। और हमारे क्षेत्रीय पार्षद और यहाँ पर कार्यकर्ता सभी मौजूद रहे। सर लाडली बहनों, ये मामा भांजे और भांजियों के मामा और बहनों के भाई हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये योजना चालू की है मध्य प्रदेश में, पूरी 7.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जनता है उनका आशीर्वाद और प्रेम पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशियों को मिल रहा है। एक सफल योजना जो सीधे महिलाओं में, हमारी बहनों में, हमारे परिवार के सदस्यों तक जो योजना पहुंच रही है, जिसका लाभ विगत 5-6 महीने से सभी महिलाओं को हो रहा है, जिसकी इस बार दीपावली भी जो है महिलाएँ हमारे मामा के आशीर्वाद से मनाएंगी। और एक बहुत बड़ा युवाओं का जो देखने को मिलता है कि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हुए, शिवराज सिंह चौहान जी हुए, ये युवाओं का स्नेह और प्रेम जो हमारे दमंग नेताओं का लॉलीपॉप 15 साल देखिए 18 महीने की सरकार तो कांग्रेस ने भी चलाई है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, उनको सभी को बंद कर दिया गया था। फर्जी 35 लाख जो है प्रमाण पत्र कर्ज माफी के बांटे गए थे, और पूरी जनता जान चुकी है कि ये जिस प्रकार से कांग्रेस ने 18 महीनों की सरकार में किया है, जो उनकी सरकार ने जो काम किया है, उसको किस तरीके से इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी उनको हराएगी। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र ही 80 साल के ऊपर के दोनों हमारे जो लीडर हैं, वो क्या मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। एक तरफ युवाओं की टीम है और दूसरी तरफ बूढ़े बुजुर्गों की टीम है। तो इस बार युवाओं ने मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और प्रचंड बहुमतों से लगभग 140 सीट के से ज़्यादा हमारी सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी। इसमें जी आप देखिए, मैं पुलिस परिवार का सदस्य हूँ, और मेरे ही पुलिस परिवार के व्यक्ति के साथ हमारे जो विधायक रहे हैं आरिफ मसूद, उन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया था इसी ललिता के चौराहे पर उनका हाथ काट दिया था, तो ऐसे व्यक्ति को मैं तो पुलिस परिवार से नहीं, पुलिस सिर्फ पुलिस परिवार की सुरक्षा पुलिस नहीं करती, पुलिस पूरे समाज की सुरक्षा करती है, पूरे भारत देश की सुरक्षा करती है, चाहे वो बॉर्डर में हो, चाहे वो इस क्षेत्र में हो। तो जिस प्रकार से पुलिस परिवार के साथ जो हुआ और पुलिस वाले का हाथ काटा गया, और ऐसे आरोपी को, ऐसे व्यक्ति को इस विधानसभा में यदि हम पहुंचाते हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बार हम लोग घर जा जा के लोगों को बोल रहे हैं कि जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे पुलिस वाले के साथ जो कृत्य हुआ था उसके लिए आरिफ मसूद आरोपी भी है, और उसको मध्य विधानसभा की जनता इस बार घर छोड़कर आएगी और ध्रुव नारायण सिंह जी को विजय बनाएगी।